आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड टेस्ट, फर्स्ट एमसीक्यूज है सेकंड ऑर्डर ऑटोकोरिलेटेड एरर मींस दैट द करंट एरर ईटी इज लीनियर फंक्शन ऑफ। जैसा कि हमें पता है कि जो ऑटोकोरिलेशन है उसमें हम जो हमारी रैंडम टर्म है उसमें सम वेरिएबल्स आपस में लीनियर रिलेशनशिप बना लेते हैं, यानी कि एरर्स आपस में। तो अगर करंट ईयर का एरर फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर्स के एरर के साथ बना रहा हो तो उसे हम फर्स्ट ऑर्डर ऑटो कोरिलेटेड कहते हैं। बट इधर क्या है, सेकंड ऑर्डर ऑटो कोरिलेटेड का जिक्र है। तो जो ईटी है वो किसके साथ लीनियर फंक्शन बना रहा है, ईटी माइनस वन और ईटी माइनस टू के साथ। तो जो डी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। ये मेरा वीडियो लेक्चर है, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरीके से ऑटो कोरिलेशन का प्रॉब्लम आता है। सेकंड है ब्रुश गॉडफ्रे टेस्ट इज यूज्ड टू टेस्ट ऑफ नल ऑफ नो ऑटो कोरिलेशन। हाँ जी, इज वैलिड इवन व्हेन द लैग वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल अपीयर्स इन रिग्रेसर। हाँ जी ठीक है, इज ए काई टेस्ट, ये भी ठीक है। तो सब के सब डी जो तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, ये ऑटो कोरिलेशन के लिए होता है। अगर लैग वैल्यूज आ गई हैं डिपेंडेंट वेरिएबल की एज इंडिपेंडेंट तब भी होता है, काई टेस्ट भी होता है। हालांकि जो ये बी है इसमें जो डर्बन वाटसन टेस्ट है ऑटो कोरिलेशन का, उसके अजम्पशन में ये लिखा गया है कि अगर लैग वैल्यूज आ जाती हैं एज डिपेंडेंट वेरिएबल की लैग वैल्यू एज इंडिपेंडेंट आ जाती हैं तो हम फिर ऑटो डर्बन वाटसन टेस्ट को यूज नहीं कर सकते। तो ब्रुश गॉडफ्रे टेस्ट की जो करेक्टरिस्टिक है ये तीनों की तीनों करेक्टरिस्टिक लिखी गई हैं, तो इस वजह से ये तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट होंगे। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। सपोज दैट यू आर एस्टिमेटिंग वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस गैमा जेड प्लस ई, बट द वेरियंस ऑफ एरर इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एक्स। हमें हमारे पास ये एक इक्वेशन ये दी गई है रिग्रेशंस, उसमें वो कहता है कि जो आपका जो वेरियंस है वो किसके प्रोपोर्शन है, एक्स स्क्वायर के हैं। अब आप इसको रिमूव करना चाहते हैं किससे, जीएलएस मेथड से। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि आपका जो एरर है वो किसके साथ प्रोपोर्शन रिलेशनशिप बना रहा है, एक्स स्क्वायर की, तो आप इसका अंडर रूट लेंगे। अंडर रूट क्या आएगा, एक्स आएगा, और पूरी जो इक्वेशन दी गई है वाई इज इक्वल टू ए प्लस बीटा एक्स प्लस गैमा जेड प्लस एरर, इसके साथ आप एक्स को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये आपके पास जो जीएलएस एस्टिमेट है उसके जरिए रिग्रेशन रिग्रेस हो जाएगी और इससे जो हेट्रो का प्रॉब्लम पाया जाता है वो रिमूव हो जाएगा। तो अब एक्स से किस में डिवाइड किया गया है पूरी इक्वेशंस को, ऑप्शन नंबर सी के अंदर। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। मल्टीकोलिनियरिटी अकर्स वेन एवर। मल्टीकोलिनियरिटी क्या होता है कि जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हैं उनमें लीनियर रिलेशनशिप हो जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान। तो जो सी ऑप्शन है उसमें लिखा गया है देर इज ए क्लोज लीनियर रिलेशनशिप अमंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। हाई कोलिनियरिटी इज ए नॉट प्रॉब्लम। हाई कोलिनियरिटी प्रॉब्लम नहीं है इफ नो बायसनेस, यानी कि मल्टीकोलिनियरिटी तो हाई है पर हमारा एस्टिमेटर क्या है, स्टिल अनबायस है। आर स्केयर इज हाई, अगर आर स्केयर हाई है तो इसका मतलब है प्रॉब्लम है, और नो बाइस भी आ रहा है। द वेरियंस एरर टर्म इज समान, ठीक हो गया। तो ये सब के सब नॉट आना था इसमें सी के अंदर। तो ये जो हाई कोलिनियरिटी इज ए नॉट प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आपका आर स्केयर हाई आ रहा है, नो बाइसनेस है यानी कि अनबाइस है, तो वेरियंस ऑफ एरर टर्म इज स्मॉल और जो एरर है वो भी संभाल आ रहा है। तो इस सब के सब अगर हमारा जो मल्टीकोलिनियरिटी हाई होने की वजह हाई है बट प्रॉब्लम्स कोई क्रिएट नहीं आ रहा, तो इट मींस के रिजल्ट्स हमारे रिलायबल हैं। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी वजह से। द मल्टीकोलिनियरिटी प्रॉब्लम इज वेरी सिमिलर टू प्रॉब्लम कॉज बाय। मल्टीकोलिनियरिटी का जो प्रॉब्लम ज्यादातर आता है डाटा में वो किस वजह से आता है, वो स्मॉल सैंपल साइज की वजह से आता है। लिमिटेड हमारे पास ऑब्जर्वेशन होती हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का आपस में लीनियर रिलेशनशिप होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। द मेन वे ऑफ डीलिंग विद मल्टीकोलिनियरिटी प्रॉब्लम इज
ड्रॉप ऑफ वन वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यानी कि आप क्या कर दें, ड्रॉप कर दें वेरिएबल्स को जो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिए गए हैं जिन दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप है, इंक्रीज द सैंपल साइज, इनकॉर्पोरेट एडिशनल इंफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म द रिग्रेसर्स, ये सब के सब रेमेडियल मेजर हैं, द मेन वे ऑफ डीलिंग, यानी कि तमाम के तमाम रेडी रेमेडियल मेजर है इसकी मल्टीकोलिनियरिटी की। वेरिएबल्स आप ड्रॉप कर रहे हैं पर नया प्रॉब्लम आ जाता है, इंक्रीज द सैंपल साइज, सम टाइम आपके पास वैल्यूज लिमिटेड होती हैं, ट्रांसफॉर्म द रिग्रेसर्स यानी कि उसकी आप शेप ही चेंज कर दें, लॉग ले लें या उसका रेशियो ले लें, सी इनकॉर्पोरेट एडिशनल इंफॉर्मेशन, अगर आप एडिशनल इंफॉर्मेशन उसके अंदर ऐड कर दें या दो वेरिएबल्स जो आपस में कोलिनियर हैं उनकी जगह एक ही वेरिएबल्स यूज कर लें तो ये ज्यादा बेहतर मेथड होता है। इफ यूनिक न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द स्ट्रक्चरल पैरामीटर ऑब्टेन, यानी कि रिड्यूस फॉर्म से आप स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स की यूनिक वैल्यू उसको फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसको हम एग्जैक्ट आइडेंटिफाई कहते हैं। ये मैंने आप जो हमारी साइमल्टेनियसली इक्वेशन है और आइडेंटिफिकेशन वाला जो चैप्टर है उसमें हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया। 9 इफ के माइनस एम इज इक्वल टू जी माइनस वन, यानी कि के माइनस एम ये आइडेंटिफिकेशन का फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन होती है, इसकी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है और दूसरी रैंक कंडीशन होती है। अगर के माइनस एम इक्वल हो जाए जी माइनस वन के तो इसे हम एग्जैक्ट आइडेंटिफाई कहते हैं, अगर के माइनस एम ग्रेटर हो जी माइनस वन के तो इसे हम ओवर आइडेंटिफाई कहते हैं, अगर ये लेस हो तो अंडर आइडेंटिफाई कहते हैं। तो ये एग्जैक्ट आइडेंटिफाई की डेफिनेशन लिखी हुई है 9 एमसीक्यूज में, के माइनस एम इज इक्वल टू जी माइनस वन, तो ये क्या होगा, एग्जैक्ट आइडेंटिफाई होगा। ILS मेथड है साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, तो ILS किसके लिए स्टैंड करता है, इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर मेथड के जरिए, विच वन इज नॉट सिंगल इक्वेशन मॉडल। साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 7 मॉडल हैं, जो पहले 5 होते हैं वो सिंगल इक्वेशन होते हैं और जो लास्ट वाले 2 मैंने पढ़ाए थे वो 2 इक्वेशन मॉडल थे, तो इसमें ILS OLS 2SLS ये सारे के सारे सिंगल इक्वेशन मॉडल, तो ये डी है ये हमारे पास 3SLS इक्वेशन मॉडल है। इफ SLS इफ 2SLS अप्लाइड ऑन, यानी कि हमारा जो मॉडल दिया गया है अगर वो एग्जैक्ट आइडेंटिफाई है या ओवर आइडेंटिफाई है तो उसके ऊपर हम 2SLS को अप्लाई कर सकते हैं, तो इसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। अगर सिर्फ आपका जो मॉडल है एग्जैक्ट आइडेंटिफाई है तो उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ आप ILS अप्लाई कर सकते हैं। 13 इफ आर स्केयर इज हाई, आर स्केयर की वैल्यू बड़ी हाई है बट जो आपके पैरामीटर आ रहे हैं और जो टी वैल्यूज हैं वो ये शो कर रहे हैं इनसिग्निफिकेंस, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है 14 के अंदर। आर स्केयर की वैल्यू हाई है बट जो पैरामीटर्स हैं जो टी की वैल्यूज हैं वो ये शो कर रहे हैं कि आपके पैरामीटर इनसिग्निफिकेंट हैं, तो इसमें कौन सा प्रॉब्लम पाया जाएगा, वो मल्टीकोलिनियरिटी का प्रॉब्लम पाया जाएगा। 15 एमसीक्यूज है, नॉर्मली हेटरोस्ट्रैटिसिटी प्रॉब्लम इज फाउंड, जो हेटरोस्ट्रैटिसिटी का प्रॉब्लम है वो नॉर्मली क्रॉस सेक्शनल डेटा के अंदर पाया जाता है। ग्लेशियर टेस्ट यूज फॉर हेटरोस्ट्रैटिसिटी, इन टेस्टों के बारे में भी पूछा जा सकता है कि व्हाइट टेस्ट किस लिए यूज होता है और स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट किस लिए यूज होता है, फ्रॉरर टेस्ट किस लिए यूज होता है, तो टेस्टों का भी पूछा जा सकता है। 17 डैश टेस्ट डिवाइड द सैंपल इनटू 2 पार्ट्स, स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन, पार्क टेस्ट, वाइट टेस्ट, गोल्डफेल्ड क्वांट टेस्ट, तो गोल्डफेल्ड क्वांट जो टेस्ट है उसके ऊपर हम एफ रेशियो अप्लाई करते हैं और ये जो टेस्ट है ये डेटा को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। हेटरोस्ट्रैटिसिटी डज नॉट इफेक्ट, हेटरोस्ट्रैटिसिटी किस चीज को इफेक्ट नहीं करती, कंसिस्टेंसी को, वेरियंस को, अनबायसनेस को, डी है ए एंड बी, तो जब हेटरो का प्रॉब्लम हो तो वो कंसिस्टेंसी और अनबायसनेस को इफेक्ट नहीं करती, वो वेरियंस को लार्ज कर देती है, तो इसका डी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इफ द डी वैल्यू इज इक्वल टू 2, तो डी की वैल्यू, अगर डी की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है डर्बन वाटसन टेस्ट के अंदर, डी की वैल्यू लाई कर रही होती है 0 से 4 के दरमियान, अगर 0 है तो इसका मतलब होता है कि
पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन है, अगर डी की वैल्यू 4 है तो नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन होता है, अगर डी की वैल्यू 2 है तो इट मींस नो ऑटो कोरिलेशन विद जीरो ऑटो कोरिलेशन दैट डर्बन वाटसन वैल्यू। अगर फर्ज करें आपके ऑटो कोरिलेशन की वैल्यू 0 है, यानी कि रो की वैल्यू 0 है, तो डर्बन वाटसन टेस्ट की वैल्यूज क्या होगी? तब 2 होगी, यानी कि 19 और 20 एमसीक्यूज सेम एमसीक्यूज है। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना फाउंड 1949, जलियांवाला बाग इज लोकेटेड इन अमृतसर, बड़ा फेमस एक ये एमसीक्यूज है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंड इन 1906 ढाका में हुई थी, इसकी फाउंड जो इसको फाउंडेड किया गया था। द नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज नमल किस में है? इसका मेन कैंपस इस्लामाबाद में। यरूशलम इज होली प्लेसेस फॉर मुस्लिम क्रिश्चियन ज्यूज ऑल ऑफ।